तो नाउ टेक्निकल इशू क्या क्या हो सकते हैं। द नॉइस इन्वॉल्व द फेलियर ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आप अपना मैसेज भेज रहे हो वो जो है फेल हो गए हो। आप अगर अपना मोबाइल जो है उससे आप कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो और मोबाइल ही ख़राब हो तो वो एक टेक्निकल नॉइज़ हो जाएगी। इट इंक्लूड्स क्रैकल ऑन द टेलीफोन लाइन ब्रेक हो गई हो और इलिजिबल हैंड राइटिंग हो गई हो। दिस में प्रिवेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते वक्त अगर आपका कोई भी ट्रांसमिशन फेल हो गया हो तो वो टेक्निकल नॉइज़ कहलाएगा। सोशल नॉइज़, इट अकर्स व्हेन पीपल कम्युनिकेट डिफरेंटली फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे हैव बीन सोशलाइज्ड इनटू डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स। थस आवर एज, जेंडर, सोशल क्लास, रेस, जेंडर, एथिक्स, आइडेंटिफिकेशन और रिलीजियस बैकग्राउंड कैन अफेक्ट हाउ वी कम्युनिकेट। सोशल नॉइज वो हो जाएगी कि अगर आपकी एज डिफरेंस हो, जेंडर डिफरेंट हो, सोशल क्लास डिफरेंट हो, आप अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, जेंडर डिफरेंट हो, आपकी रिलीजन डिफरेंट हो, रिलीजन बैकग्राउंड डिफरेंट हो, तो सोशल नॉइज इफेक्ट करेगी। साइकोलॉजिकल नॉइज, इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द मैनर इन विच द रिसीवर प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। द एक्सटेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, इंडिविजुअल बायसेस एंड प्री कंसीव्ड प्रीजुडिस एंड पुअर लिसनिंग आर एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल नॉइज विच आर इमिडिमेंट्स टूवर्ड्स द डिलीवरी ऑफ मैसेज। इसमें ये भी आ जाएगा कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हो और आपका दिमाग कहीं और हो तो ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल नॉइज है। अगर आप जो है उसकी बात को सही से सुन ना पाए हों, कोई बहुत शोर हो रहा हो और उसकी बात सुन ना पाए हों, तो ये एक तरह का पुअर लिसनिंग साइकोलॉजिकल नॉइज़ हो जाएगा। फिफ्थ है सेमेंटिक नॉइज़। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर जो है आ जाता है। राइट डाउन द सेमेंटिक नॉइज़ एमसीक्यूज़ में बहुत है कि एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं नॉइज़ के सारे केस में आ सकते हैं कि आपको एक केस बता देंगे और फिर पूछेंगे कि कौन सा केस है, कौन से नॉइस इस पे आ रही है। चलें सेमांटिक नॉइस पढ़ते हैं। इज द इंटरफेरेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन लैंग्वेज, सोशल, एजुकेशनल, कोई भी लैंग्वेज बैरियर हो, सोशल बैरियर हो, एजुकेशनल बैरियर हो रिसीवर की तरफ से या सेंडर की तरफ से, तो वो सेमेंटिक नॉइज होगा। जर्गन्स ऑफ वर्ड्स मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स दे दिए हों, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हों, के इंग्लिश के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज डाल दी गई हों, लॉ की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज डाल दी गई, तो वो हर इंसान को नहीं पता होती, तो वो एक कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो रिसीवर को समझ नहीं आएंगे। तो ये एक तरह का सेमेंटिक नॉइस वो होता है कि आपके लैंग्वेज बैरियर आ गया हो, या आपका सोशल बैरियर या एजुकेशनल बैरियर हो, या फिर जगह्स ऑफ वर्ड्स हो, या फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड हो, तो वो सेमेंटिक वर्ड्स नॉइस कहलाएगा। साइकोलॉजिकल नॉइस इज़ एनी साइकोलॉजिकल इशू डैट इंटरफेरेंस द इंफॉर्मेशन सॉरी कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ माइग्रेन, अगर आपके सर में दर्द हो तो आप नहीं सुन पाएंगे कि ये किस तरह का, ये क्या बात कर रहा है, हमें समझ ही नहीं आएगी कि बात क्या कर रहा है, तो वो एक साइकोलॉजिकल नॉइज हो जाएगी। इट मेड डिफ़िकल्ट टू मेक टू अनदर और लिसन टू दैम वैन दे स्पीक टू यू। ये बात हो गई कि अगर आपके सर में दर्द हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि बात कर क्या रहे हैं। ओवरकमिंग नॉइस,
Noise can be reduced by using more than one channel of communication, so that if there is a problem, if one channel the message may be completely sent through the other channel. अगर आपका एक चैनल ख़राब हो जाए तो वो ओवरकमिंग नॉइज़ कहलाएगा, तो आप दूसरे चैनल से उसको मैसेज भेज सकते हो, भले ही आप फ़ोन के थ्रू, वर्बली या फिर मीटिंग के थ्रू. तो ये हो गया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट. कम्युनिकेशन बैरियर बैरियर्स में जो हैं दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड इंडिविजुअल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में कौन कौन से आ जाते हैं? ओवरलोड हमने पढ़ा था, ओवरलोड आ जाएगा, नॉइस आ जाएगी, टाइम प्रेशर आ जाएगा, नेटवर्क प्लेग्राउंड मतलब ट्रांसमिशन में फेल हो जाए, मीडियम फेल हो जाए, तो ये आ जाएगा. इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन आ जाएगा, क्रॉस कल्चर बैरियर आ जाएगा, और इंडिविजुअल मतलब कि आपको पर्सनली क्या बैरियर्स आ सकते हैं, डिफरेंसिव प्रिसेप्शंस आ सकती हैं, सेमेंटिक डिफरेंस आ सकता है कि लैंग्वेज आपकी चेंज है, एज ग्रुप, जेंडर वगैरह, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कंसीडरेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है. इस कंसीडरेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट मतलब होता है कि सिलेक्टिव प्रिसेप्शंस, आप उसी बात को पकड़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी बात को अपने दिमाग में रखो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वो कंसीडरेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है. पर्सनल स्पेस हो सकती है, पुअर लिसनिंग स्किल हो सकती है कि आपको स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, आपको बात नहीं करनी किसी से, तो वो एक बैरियर आ जाएगा बात करने में. पुअर लिसनिंग स्किल्स मतलब कि आपने आपके सुनने में सुनाई सही नहीं दे रहा, तो वो एक पुअर लिसनिंग स्किल आ जाएगी. ओवरकमिंग, किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर को? हम ऑडियंस को एनालाइज़ कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत आ सकता है. किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं बैरियर को? ऑडियंस, हमें ऑडियंस एनालाइज़ करना पड़ेगा कि किस तरह की ऑडियंस है ये, कि वो किस एज ग्रुप की है, एजुकेशनल लेवल क्या है, जेंडर क्या है. तो हमें ऑडियंस को एनालाइज़ करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे, तो वो एक अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा. चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम, अब हमें अच्छा मीडियम जो है चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि सही मोबाइल, या फिर मोबाइल के थ्रू आप मैसेज कर सकते हो, मीटिंग्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर आप वर्बली कर सकते हो. तो इस तरह से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसके थ्रू अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हो, मैसेज भेजना चाहते हो. इनकरेज फीडबैक, आप जो है सेंडर शुड इनकरेज फीडबैक टू इंश्योर दैट द मैसेज हैज़ और हैज़ नॉट बीन करेक्टली रिसीव्ड. आप अपना फीडबैक जो है इनकरेज कर सकते हो, जैसे कि आपको आप अपना फीडबैक जो है, जो मैसेज आपने भेजा है वो देखो पहले कि आपने सही तरीके से भेज भी दिया है, उसको रिसीव हो भी किया है, क्या उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, क्या उसने इंटरप्रेट कर लिया है अपने दिमाग में क्या. तो वो जब आपको फीडबैक भेजेगा तो वो आपको वो आपकी कम्युनिकेशन को ओवरकम करेगा, बैरियर को ओवरकम करेगा, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाएगा. टाइम, आप रेगुलर इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करो कर रहे हो, या फिर टाइमली कर रहे हो कि वक्त पर जो है उसको इंफॉर्मेशन भेज दी है, क्या उसने रिसीव कर लिए. लिसन इफेक्टिवली एक्टिवली, क्या आप उसकी बात को अच्छी तरीके से सुन रहे हो. स्टॉप टॉकिंग एंड डोंट इंटरप्ट, तो अपनी बात चुप हो के और अपनी बात को सुनो, कोई इंटरप्ट ना करो, उसकी बात को सुनो, तो वो एक अच्छा फीडबैक दे सकते हो या फिर ले सकते हो.
एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन डिमांड द एक्टिव पार्टिसिपेशन द बोथ रिलेट पार्टीज सेंडर रिसीवर। सेंडर शुड ट्रांसमिट द मैसेज विदाउट एनी सेपरेशन और मैनिपुलेशन। भाई मैनिपुलेट नहीं करना, आप एक्टिवली उसकी बात को सुनो, पार्टिसिपेट करो कि उसकी बात को सुन रहे हो, उसको पता चले कि हाँ भाई आप उसकी बात को सुन रहे हो एक्टिवली, अपना दिमाग कहीं और ना रखो और उसकी बात को सुनने को रिसीवर भी और सेंडर भी, अगर वो उसकी बात को सुन रहा है तो वो हम बैरियर को ओवरकम कर लेंगे। यही बात कर रहा है रिसन एम्पैथिकली, यही बात है कि अपनी अपनी जो भी स्पीकर का प्रिसेप्शन हैगा उसको सही तौर पे सुनोगे तो ही बात को वैल्यू होगी। आ टारगेट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर परसेप्टिव एंड शुड प्लेस हिमसेल्फ इन शूज ऑफ द सोर्स। यही बात है। हियर बिफोर एवोल्यूटिंग, लिसन टू वर्ड द पर्सन हैज़ टू से बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन और जजमेंट। किसी को जज करोगे पहले ही तो वो बैरियर आ जाएगा। अगर आप उसकी बात को सही से तौर पे सुनोगे तो ही जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगी। लिसन टू द होल मैसेज, पूरे मैसेज को पढ़ना सुनना जो है आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हो, ओवरकम कर सकते हो बैरियर को। सेंड फीडबैक, फीडबैक ज़रूर देना तो वो जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। तो ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।